भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय रेल मजदूर संघ से संबंध पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के तत्वावधान में प्रेस कार्यालय में मंगलवार को महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष रीता मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। संगोष्ठी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी गुप्ता, सहायक महामंत्री बजरंगी दुबे, कार्यालय उप निरीक्षक छाया प्रवक लिपिक सुमन, उषा इंदु सहित श्रमिक संघ के महिला सदस्य और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा, भारत माता की जय, वंदे मातरम मातरम, वंदे मातरम। बीच में उत्तर प्रदेश की और महिलाओं के बीच में बहुत सारे मैडम को बताना चाहेंगे, आज हमको बहुत खुशी है कि मैं 2011 से अकेले इस संगठन में भी भागीदार बनी हुई है जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करती है और बढ़ावा देती है कि समस्या हुई, क्योंकि रेलवे भी अब महिलाओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर कार्य करती है, चाहे उनको फॉरेन टूर का हुआ या उनको प्रमोशन का हुआ या उनकी समस्याएं हुआ, विभागीय रेलवे प्रबंधक के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा विभागीय फंड भी दिया जाता है महिलाओं की उन समस्याओं की हो युवाएं। और जो कि हमारे इस मंच में विराज हमारी मुख्य अतिथि को किसी को परिचय की मोहताज नहीं है और मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं भारत में महिलाओं का क्या पोजीशन है, क्या किस तरीके से उनको सम्मान देते हैं। हम पूजा भी करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, रोटी करना और छेड़खानी करना और गलत व्यवहार करना और दुर्व्यवहार करना महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ करते हैं, छेड़खानी कर करके, तो उसको भी रोकना पड़ेगा। घर की माता होती है, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लड़के को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम महिला को शिक्षित करते हैं तो हम एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। अपने हौसले को ये मत बचाओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ द्वारा आज महिला दिवस मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कि रीटा मिश्रा जी ने, उपाध्यक्ष जो हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि भारी संख्या में महिलाएं यहाँ आई हुई हैं और मैंने उनको सिर्फ आत्मविश्वास, शिक्षा और संस्कार के लिए उत्तेजित किया है कि अपनी शक्ति को पहचानें और जहाँ तक हो सके अपने घर का सब काम अपने खुद संभालें और बाहर का भी काम संभालें, क्योंकि महिला सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, वो कंधे से कंधा मिला के पुरुष के साथ चल सकती है, बशर्ते कि उसको उसके अंदर शिक्षा सही तरीके से हो, संस्कार सही तरीके से हो।